कुकिंग जंक्शन पे आपका वेलकम। आज मैं छोटी मछली बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। छोटी मछली खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बनाने में मेहनत होता है। तो हमारे तरीके से बनाइए तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने कनखुरा को लिया है और इसे नोच दिया है। पेट को इसको चीरेंगे और इसमें से सारा गंदगी निकाल लेंगे, और इसके आँख जो है उसे भी हम इस तरह से निकाल देंगे। चिप चिप कर अच्छे से इसको साफ कर लेंगे इसके पेट के अंदर का। और इस तरह से हमें कनखुरा निकालना है, और उसके बाद फिर पेट को चीरेंगे, उसके सारा गंदगी को निकाल लेंगे। आखिर में पूछ जो है उसको भी तोड़ देंगे। और हमने सारे मछली को बना लिया है इसी तरह से, इसमें पेट में से इतनी सारी गंदगी निकला है और सारे मछली को बना लिया, दो बचा हुआ है इसे भी हम बना लेते हैं। तो इसी तरह से करेंगे, कनखुरा पहले तोड़ेंगे और उसको साफ कर लेंगे, उसके बाद पेट में चीरेंगे और पेट से चिप चिप करके सारे गंदगी को निकाल लेंगे। आप पूछ भी इसका तोड़ लेंगे, पूछ अगर चाहे तो रहने भी दे सकते हैं कुछ लोग, और आँख को भी हम निकाल लेंगे। खूब चिप चिप कर अच्छे से निकाल, मछली को खूब साफ से धोएंगे। जितना साफ से मछली धोएंगे उतना अच्छा टेस्ट इसका आता है। आखिर में नमक डाल करके पानी से धो लेंगे। नमक पानी धोने से इसका और साफ से धुल जाता है। यहाँ पे हमने मसाला लिया है 4 प्याज और लहसुन और सरसों, तो इसे पीस लेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे, सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल से क्या होता है कि मछली ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। चटक चुका है, अब हम यहाँ पर प्याज सरसों और लहसुन जो पीसा था उसे हम डाल देंगे तेल में। और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और मसाला को भूनेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक भी डालेंगे। और डालकर मसाला को खूब अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर नमक डाल देंगे और खूब अच्छे से भूनना है। इसमें जितना पानी है इसे सूख जाना चाहिए और एक सौंधी सी खुशबू आनी चाहिए, सौंधी सी खुशबू आनी चाहिए। तो सौंधी जितनी खुशबू अच्छी होगी, सौंधी सी खुशबू होगी। तो यहाँ पे पहले वाला पानी सूख चुका है, अब दोबारा फिर थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे भूनेंगे। तो इस पानी को भी हमें सुखा लेना। मछली मसाला जितना अच्छा भुना रहेगा खुशबू उतनी अच्छी आएगी। और इस मसाले में हम मछली डाल देंगे और सारे मछली को हमें डाल देना है और डालकर एक बार ऊपर नीचे कर लेंगे। तो इस तरह से हम मसाले में ऊपर नीचे कर लेंगे मछली को। और पानी मसाला में नहीं है इसलिए थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। तो पानी डाल देंगे, आधा गिलास लगभग पानी डालेंगे हम। और एक बार कढ़ाई को हिला लेंगे इस तरह से। अब हमें चम्मच नहीं लगाना है, चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ हिलाते हुए इसे पकाएंगे। तो बीच बीच में हम इस तरह से हिलाते रहेंगे। और यहाँ पर मछली में उबाल आ चुका है अच्छे से, और इसे हम हिला देंगे। हर थोड़ी देर पर हिलाना है, इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे हम। और इसमें 2 हरी मिर्च है इसे काट कर डाल देंगे, और धनिया पत्ती भी डाल देंगे। तो हरी मिर्च डालने से थोड़ा चटपटा टेस्ट हो जाता है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। और इस तरह से घुमाते हुए इसे पानी पहला पानी को हम सुखा लेंगे, ताकि बिसाइन जो टेस्ट होगा वो नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने सारे पानी को सुखा लिया। अब आधा गिलास और पानी डालेंगे और डालकर एक बार हिला लेंगे, और थोड़ी देर हम 1 मिनट रखेंगे इसे उबाल आने तक। और उसके बाद फिर गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो हमारे तरीके से इस मछली को बनाइए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। इसे रोटी चावल किसी चीज़ के भी साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से हमारी छोटी मछली बनकर तैयार, बिल्कुल बंगाली स्टाइल से बनकर तैयार है।